हेलो दोस्तों, आप सभी का इस मेरे न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसको आज हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या कर ले, दो यहाँ पे चार्ज ले ले, ये प्लस Q1 आवेश है और ये क्या है, प्लस Q2 आवेश है। ये एक दूसरे से अनंत पर स्थित है, एक दूसरे से क्या है, अनंत। अब सबसे पहले जाने अनंत का मतलब होता क्या है। अनंत का मतलब ये है ना कि इसका वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए ये हो गया, इसका वैद्युत क्षेत्र क्या ये हो गया। अब देखिए दोनों के वैद्युत क्षेत्र से पूर्ण रूप से दोनों क्या है, बाहर है। यानी इसका वैद्युत क्षेत्र इसमें नहीं है और इसका वैद्युत क्षेत्र इसमें नहीं है, यानी एक दूसरे से दोनों पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र है। अब हम दोनों को एक दूसरे के क्या करें, समीप लाए, एक दूसरे के समीप लाए। तो दोनों को जब एक दूसरे के अनंत से समीप लाएंगे तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, दोनों को समीप लाना है तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा और जो किया गया कार्य होता है वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता जाता है और इसी का नाम क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम क्या जाने कि जब दो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर एक निकाय की रचना करना होता है तो उस दौरान हमें कार्य करना पड़ता है और उस किए गए कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, जब दो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर एक निकाय की रचना करना होता है तो उस दौरान हमें कार्य करना पड़ता है, तो उस दौरान हमें कार्य करना पड़ता है। यह किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता जाता है। इसे ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या समझे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसके लिए हम यहाँ पे एक सूत्र भी ले लेते हैं। मान लेते हैं ये प्लस क्यू आवेश है, इसके द्वारा निर्मित क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ये बिंदु O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है और यहीं पे हमें क्या, एक प्लस क्यू नॉट आवेश को लाकर एक निकाय की रचना करनी है। तो निकाय की रचना करनी है तो उस दौरान हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, क्या लिख लेंगे, लिखेंगे माना प्लस क्यू आवेश द्वारा निर्मित वैद्युत क्षेत्र में ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ प्लस क्यू नॉट आवेश को लाकर निकाय की
निकाय की रचना करना है, निकाय की क्या करना है, रचना करना है। तो किया गया क्या कार्य, तू किया गया कार्य, ये बताओ किया गया कार्य क्या जाएगा। किया गया कार्य बराबर हम क्या जानते हैं, विभव, विभव इंटू क्या यानी परिचय यानी प्लस क्यू नॉट क्या जी आवेश, प्लस क्यू नॉट आवेश। अब यहां से क्या मुझे लिखा जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, भी इंटू क्या क्यू नॉट। आ चूंकि हम क्या जानते हैं, भी का मान बिंदु आवेश के कारण क्या जानते हैं, के इंटू क्यूब अपान क्या आर, क्यू अपान आर, तो इसका मान रख देंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या निकल क्या जाएगा, के इंटू क्यू नॉट अपान क्या आर। तो ये हमारा इसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अर्थात इज इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट अपान क्या आर। तो ये हम लोग का क्या रहा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या सूत्र। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर फिर भी इसमें प्रकार इसी में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एक बात और यहां समझ, देखिए सबको पता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये क्या है, अदिश राशि है, जो इसका मान है ना ऋणात्मक धनात्मक शून्य भी हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, इसका मान ऋणात्मक धनात्मक और शून्य भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या समझे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग समझेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य एवं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया, इसकी डायरेक्शन ये है कैपिटल क्या है ई, एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं थीटा कोण पर स्थित है, ये वैद्युत द्विध्रुव, ये माइनस क्यू और ये क्या है प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू इसकी डायरेक्शन ये होगी माइनस से प्लस क्यू, ये डायरेक्शन माइनस से प्लस क्यू होती है। तो चुंबक यानी वैद्युत क्षेत्र के साथ एक इंटेंस एंगल बना रहा है थीटा एंगल, ये थीटा एंगल, इसका नाम दे देंगे ए और इसका नाम क्या दे देंगे बी, और इसका ये मध्य बिंदु क्या मान लेंगे, ये मध्य बिंदु, इसको पहले लिख लेंगे, लिखेंगे माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है, ये थीटा कोण पर स्थित है, ये थीटा कोण पर। अभी क्या याद कर रहा है, घुमाने में किया गया कार्य। तो सबसे पहले घुमाने में किया गया कार्य क्या कर लेंगे, पहले अल्प थीटा घुमाने में किया गया कार्य याद कर लेंगे और फिर उसका टोटल समाकलन कर लेंगे तो हमें संपूर्ण घुमाने में किया गया कार्य निकल जाएगा। तो सबसे पहले मान लेंगे इस वैद्युत द्विध्रुव को, ये यहां से इसको अल्प यानी बहुत कम थीटा इसे क्या किया गया घुमाया गया है, तो मान लेंगे बहुत अल्प डी थीटा इसे क्या किया गया है घुमाया गया है ऐसे, ये डी थीटा। अब एक बारे में किया गया कार्य याद कर लेंगे, उसका समाकलन कर लेंगे, लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव एडी को अल्प डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य जब थीटा अल्प है तो किया गया कार्य में क्या होगा अल्प, तो ले लेंगे डी डब्ल्यू,
कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। अब यहाँ पे देखेंगे बल गुणे विस्थापन, यहाँ पे बल कौन सा है? तो सबसे पहले याद रखें, हम लोग पहले चैप्टर में जाएंगे, आज से देखेंगे कि जब किसी भी वैद्युत ध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर वैद्युत बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है। अर्थात जब भी किसी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर यह क्या करता है? बल युग्म कार्य करता है। दो बराबर और विपरीत बल कार्य करते हैं जो इसे घुमाने का प्रयास करते हैं या इसे घुमाने लगते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं? वैद्युत ध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। जैसे मान लीजिए ये इधर से वैद्युत बल लिखा जा रहा है, वो क्या होगा? प्लस, और ये वाला क्या होगा? माइनस। तो ये माइनस को अपनी ओर क्या, ये माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो एफ बल है, इसको ये माइनस प्लस वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा एम बल है। दो बराबर और कौन से विपरीत बल ऐसे कार्य कर रहा है जो इसे घुमाने का प्रयत्न करेंगे, ऐसे घुमाने लगेंगे, इसे वैद्युत ध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण कार्य करते हैं। इसको हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे बल क्या होगा? विस्थापन, यहाँ पे कोण विस्थापन होगा डी थीटा, यहाँ विस्थापन क्या होगा? डी थीटा। हम क्या जानते हैं? चूंकि टाउ इक्वल टू पहले चक्र में पढ़े पीई साइन थीटा, पी साइन थीटा मान रख लेंगे। डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या जाएगा? पीई साइन थीटा इंटू क्या? डी थीटा। साइन थीटा क्या हो गया? डी थीटा। अब इसे समाकलन लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य क्या है? समाकलन कर देंगे डी डब्ल्यू, समाकलन करेंगे पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसे कहां से कहां तक घुमाएंगे? थीटा वन से थीटा टू तक। इसे मान लेंगे थीटा वन से कहां तक घुमाएंगे? थीटा टू। तो मान लेंगे थीटा वन का मतलब पहले काल्पनिक डिग्री पर स्थित है और उसे कहां तक घुमाना है, तो मान लेंगे थीटा वन से थीटा टू तक घुमाना है, ज्ञात कर लेंगे। तो ई क्या जाएगा? डब्ल्यू। इसका समाकलन क्या जाएगा? डब्ल्यू, क्योंकि जानते हैं समाकलन डी एक्स बराबर क्या होता है? इसका क्या आ जाएगा? डब्ल्यू डी। इसमें कॉन्स्टेंट के बाहर निकल गया पी, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, ये भी कॉन्स्टेंट, वैद्युत क्षेत्र एक समान है, ये भी बाहर। क्या मिलेगा? थीटा वन से थीटा टू क्या मिलेगा? साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये निकल गया। आपको पता है, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का जो अवकलन होता है वो माइनस क्या होता है? कॉस थीटा। यहां लिख लेंगे डब्ल्यू इक्वल टू PE, यहां से क्या जाएगा? ये क्या जाएगा? माइनस कॉस थीटा, कहां से? थीटा वन से थीटा, ये थीटा वन से कहां तक? थीटा। अब इसका हम लोग समाकलन करेंगे, माइनस को बाहर करेंगे, तो W इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस P कॉस थीटा, कहां से? थीटा वन से थीटा, ये है थीटा वन से थीटा। अब यहां से निकल क्या जाएगा? W इक्वल टू माइनस पी क्या मिलेगा? कॉस थीटा टू, अपर लिमिट और माइनस क्या? लोअर लिमिट का मतलब थीटा पर, यानी थीटा के जगह पे एक बार हम थीटा टू रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे? थीटा पर। तो कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा पर, ये है। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? पीई, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या जाएगा? कॉस थीटा पर, ये क्या जाएगा? माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से हम लोग क्या जाने? किया गया कार्य क्या आया? पी इक्वल टू पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा। तो ये हम लोग क्या समझे? वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगर फिर भी इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। तो ये हम लोगों ने बस क्या क्या किया? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब हम याद करेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। चलिए बताते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो सबसे पहले ये तो जाने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या है।
हम लोग अभी जस्ट इसके पहले पढ़े कि वैद्युत ऊर्जा का मतलब जब दो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर एक निकाय की रचना के लिए करना होता है तो उस दौरान कार्य करना पड़ता है, और जो किया गया कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक वैद्युत ध्रुव है। अब इस वैद्युत ध्रुव को ये पहले अनंत है, इसे हम क्या करेंगे, इसे वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे और फिर क्या करेंगे, घुमाएंगे। इसमें दो कार्य होगा भाई, एक अनंत से वैद्युत क्षेत्र वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में और एक क्या घुमाने में। तो यहां पे दो कार्य हो रहा है, एक लाने में किया गया कार्य और एक क्या घुमाने में किया गया कार्य। समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग क्या कह रहे हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अगर निकालना है तो सबसे पहले वैद्युत ध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे, फिर उसे घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तब आएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो पहले देखिए लाते हैं, मान लेते किस तरह ला सकते हैं, तो मान लेते लंबवत ला रहे, ये इसे लंबवत, ऊपर वाला सीधा प्लस, नीचे वाला सीधा क्या है माइनस, ये वाला सीधा प्लस, ये वाला क्या माइनस। अब इसके अंदर ला रहे, तो जब ला रहा है तो ये प्लस वाला सीधा, ये प्लस वाला इसे भाग देगा, ऐसे इसको अपनी ओर क्या कर देगा, खींच देगा। तो इसे लाने की जरूरत नहीं भाई, ये अपने आप आता जाएगा, ये क्या करेगा, इसको धक्का देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है इस पे हमें कार्य करना पड़ेगा, जब इस पे अपने कार्य अपने आप क्या होगा, प्राप्त होगा, यानी इस पे कार्य करना पड़ेगा प्लस पे, और माइनस पे अपने आप कार्य क्या करेगा, प्राप्त होगा। देखिए जो कार्य करना पड़ता है वो प्लस होता है, और जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस तय कर रहे हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो नीट कार्य होगा कितना है, शून्य, और लाने में किया गया कार्य कितना होगा, शून्य। तो ये लिखेंगे, लिखेंगे जब जब वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव को अनंत अनंत से लंबवत लंबवत लाया जाता जाता है तो उस दौरान प्लस क्यू आवेश पर कार्य करना पड़ता है, जबकि माइनस क्यू आवेश पर कार्य प्राप्त होता है, कार्य प्राप्त होता है। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत ध्रुव को लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू वन इक्वल टू क्या जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अनि लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा जी, अनि डब्ल्यू वन। अब क्या याद करेंगे, घुमाने में किया गया कार्य, तो ये लंबवत ला रहा है तो घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य किया, तो घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा डब्ल्यू टू। अब कैसे ला रहा है, लंबवत ला रहा है, पहले लिख देते थीटा, लंबवत ला रहा है थीटा वन का मान कितना है 90, अब मान लेंगे थीटा टू कहां तक घुमा जा रहा है, थीटा टू तक घुमा जा रहा है, तो रख लेंगे वैल्यू, ये निकालेंगे थे डब्ल्यू वन इक्वल टू पीई, ये ना घुमाने में किया गया कार्य करके, लेकिन सर थीटा वन का मान इसमें कितना है 90, तो cos 90 इसका मान क्या है cos थीटा। अब cos 90 की वैल्यू कितना होता है जीरो, तो यहां पे इसकी वैल्यू शून्य माइनस cos क्या थीटा, क्या जाएगा w1 इक्वल टू माइनस e cos थीटा, ये इक्वेशन नंबर क्या है। तो ये रहा लाने में किया गया कार्य और ये क्या क्या घुमाने में किया गया कार्य, तो हम निकालेंगे कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या है
डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, समीकरण एक व किससे, दो से, समीकरण एक व दो से। डब्ल्यू वन का मान कितना है जीरो, डब्ल्यू टू का मान कितना है माइनस पी कोस थीटा, और क्या जाएगा यू इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा। तो ये क्या रहा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोगों ने दो चीज बताया, वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में दिया गया कार, और लाने घुमाने में दिया गया कार और लाने में दिया गया कार, अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आई होप आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और आप लोग इसे एकदम रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे तैयार कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना।